So, hello all students, welcome to ASCAT. Class, my name is Arpit Soni, your DLM mentor. Class, welcome to the series of 100 most expected DLR sets. And in this particular lecture, lecture number 41, we are going to discuss a set which is based on distribution. Yes, aaj ka jo set hai, wo kis par based hai? डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड एक सेट है. ये वो सेट्स हैं जो अपन डिस्कस कर रहे हैं इस पूरी सीरीज में. दीज आर दो सेट्स दैट वी कैन एक्सपेक्ट इन आवर एग्जाम. दीज आर दो सेट्स दैट वी कैन एक्सपेक्ट इन आवर एग्जाम, दैट इज कैट 24 एंड इवन ऑल्सो बियॉन्ड दैट. इसके बाद की जो एग्जाम्स आने वाले उसमें भी हम इन सब चीजों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बात क्लियर है क्लास? हमेशा से मेरा कहना यही रहा है कि अगर आपको डीएलआर में इंप्रूवमेंट चाहिए तो फर्स्ट यू नीड टू सिट विद द सेट्स, यू नीड टू सिट विद प्रॉब्लम्स, analyze them and then try to solve them. If you are trying to solve the problem, if you are at least attempting the set at your own, then definitely you will see improvement in your skills, in your confidence, in your scores as well. ठीक है, बात clear है. आज का set discuss करते हैं, ऐसा set distribution पर based होने वाला है. लेकिन एक बहुत छोटी सी बात, join the WhatsApp channel because वहां पर सारे अपडेट्स आते रहते हैं क्लासेस को लेकर. यहाँ का कुछ जाएगा नहीं, बट यू गेट दी अपडेट्स रिगार्डिंग दी क्लासेस एंड इफ नेसेसरी यू गेट दी नोट्स एज वेल. अगर इस क्लास के नोट्स या जितने भी मैंने लेक्चर्स में जितने भी सेट्स मैंने डिस्कस किए उनकी पीडीएफ फाइल्स या क्लास नोट्स जिसे हम कहते हैं, एंड नॉर्मल वाली और साथ में एनोटेशन वाली, दोनों ही अवेलेबल है कहाँ पर सर? ASCAT ऐप के ऊपर. ऑन ASCAT, इन ASCAT ऐप यू विल डेफिनेटली फाइंड दीज स्टडी मटेरियल फॉर एब्सोल्युटली फ्री. आप फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाओ, आप डेफिनेटली उनको एक्सेस कर सकते. बात क्लियर है. खास बात एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अभी आप जानते हो कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. क्या इंपॉर्टेंट है? मॉक टेस्ट. सो वी हैव लॉन्च्ड 10 मॉक टेस्ट सीरीज. ये कौन सी सीरीज है सर? ये वो सीरीज है जिसमें हमने कैट लेवल के 10 मॉक्स उठाए आपके लिए. डेफिनेटली इनको हमने बिल्कुल बारीकी से प्रिपेयर किया. वी हैव क्रिएटेड दिस. सो वी हैव डिजाइन दिस बाय टेकिंग द कैट एग्जाम इनटू कंसिडरेशन. सो यू कैन बाय दिस सीरीज सिर्फ इतने से पैसों. दिस इज अ वेरी स्मॉल नंबर. When you compare it with your dreams, the fees that you are going to pay in your college, the placement that you are going to crack, इसके सामने बहुत छोटा अमाउंट. यानी छोटा अमाउंट बड़े अमाउंट पे ले जाने की ताकत रखता है, क्योंकि इसमें क्या है सर? मॉक टेस्ट. ठीक है, इच्छा हो आपकी इच्छा, मैंने आपके सामने एक प्रपोजल रखा है. इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू वेदर यू हैव टू टेक इट और मिस इट. चलो आज का सेट ये रहा. एक बार के लिए आप इस वीडियो को यहीं पर ही पॉज कर दें, इस वीडियो को यहीं पर ही पॉज करो, लेक्चर को यहां पे पॉज करो, इस सेट को अच्छे से ट्राई. एंड देन कुछ क्वेश्चंस है सर इसी सेट से पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस को भी ट्राई करो. दिस इज अ कैट PYQ जो कि 2022 में ये सेट आया था इन स्लॉट 1. एंड मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप प्लीज इस सेट को एक बार डिस्कस करो. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर सेट, दिस पर्टिकुलर PYQ इन आवर एक्सपेक्टेड सीरीज. और ये सेट मुझे काफी इंप्रेसिव लगा है क्योंकि इस तरह के सेट्स काफी बार देखे गए. देखो कैट का फोकस जरा न्यूमेरिकल पर थोड़ा सा, मतलब वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग को इन्वॉल्व करना चाहता है कैट के DLR सेक्शन में. और यहाँ आपको दिखेगा कि सर थोड़ा बहुत क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ टर्म्स देखने को मिल सकते. ठीक है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सर ये सेट मेरे लिए है या नहीं. पॉइंट इज क्लियर, आगे बात करें. चलो लेट्स रीड द सेट फर्स्ट. सर ABCDEF आर द इंटरव्यूअर्स, इंटरव्यूअर्स इन अ प्रोसेस दैट अवार्ड्स फंडिंग फॉर न्यू इनिशिएटिव्स. ये इंटरव्यूअर्स है. इंटरव्यूअर्स मतलब ये इंटरव्यू लेने वाले बंदे, ये पैनल में बैठने वाले, ये आपको मार्क्स देंगे, इनको अपन जजेस कह सकते हैं. ठीक है, ये इंटरव्यू लेने वाले कितने बंदे? 6 जन है सर. एवरी इंटरव्यूअर इंडिविजुअली इंटरव्यूज ईच ऑफ द कैंडिडेट्स इंडिविजुअली एंड अवार्ड्स अ टोकन ओनली इफ ही रिकमेंड्स फंडिंग.
सर इनके सामने कोई प्रपोजल आने वाला है, इनके सामने कोई पिच आने वाली, कोई क्या आने वाला है, कुछ न कोई एक कोई कैंडिडेट आने वाला है, तो क्या करेंगे, इंडिविजुअली उनको जज करने वाले, इंडिविजुअली जज करने वाले। जैसे कोई कंटेस्टेंट आया, कोई कैंडिडेट आया, तो ए अपने लेवल पे इसको जज करेगा, बी अपने लेवल पे। सिमिलरली ये जो 6 के 6 इंटरव्यूअर्स है, ये इंडिविजुअली उसको जज करने वाले। दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर जस्ट ट्राइंग टू गिव मार्क्स एज पर they want to give. A token has a face value of 2, 3, 5, 7, 11 और 30. एक टोकन है सर जिनकी वैल्यूज इनमें से कुछ हो सकती है। Each interviewer awards token of a single face value only. मतलब सर 6 इंटरव्यूअर्स है और 6 टोकन है, मतलब सबके पास एक एक टोकन हो गया। सबके पास एक एक टोकन नहीं, सबके पास एक एक फेस वैल्यू वाला टोकन, मतलब फेस वैल्यू सबको एक एक ही असाइंड है। मतलब क्या बोला, ईच इंटरव्यूअर अवार्ड्स टोकन ऑफ अ सिंगल फेस वैल्यू ओनली। तो अधीरा अगर 2 का टोकन अगर किसी को असाइन कर रही है, तो 2 का टोकन अधीरा के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो मतलब 6 टोकन्स 6 इंटरव्यूअर्स। हाँ सर, दिमाग में क्लिक कर रहा है सर। वंस ऑल 6 इंटरव्यूज आर ओवर फॉर अ कैंडिडेट, वंस ऑल 6 इंटरव्यूज आर ओवर फॉर अ कैंडिडेट, द कैंडिडेट रिसीव्स अ फंडिंग दैट इज 1000 रुपीज टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ फेस वैल्यूज ऑफ ऑल द टोकन्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कैंडिडेट हैज टोकन्स विद फेस वैल्यूज 257, देन दे गेट अ फंडिंग ऑफ 1000 × 2, 5 × 7, 70,000 रुपये उसको मिलने वाले। बात क्या है सर, सर अपन को समझ में आया कि सबका एक एक टोकन है, सबके पास एक एक फेस वैल्यू वाला टोकन है। एक नहीं है, वो कितने भी टोकन हो सकते हैं, लेकिन सबके पास सिंगल फेस वैल्यू है। सर एक कंटेस्टेंट आता है, वो छों को अपना अपना इंटरव्यू देता है, वो प्रेजेंट करता है अपना आइडिया। मान लो अब जिस जिस उसको फंडिंग मिली है, वो उसको टोकन दे देते हैं, तो उसको पैसे कितने मिलेंगे सर, उन टोकन्स का प्रोडक्ट करो और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करा दो, दैट इज द फंडिंग दैट द पर्सन इज गोइंग टू गेट। इफ अ कैंडिडेट हैज टोकन्स विद फेस वैल्यू 2, 5 एंड 7, दे गेट अ फंडिंग ऑफ ₹1000 × 2 × 5 × 7, ये कितना होता है सर, 75 × 10 + × 7 70 70 × 1000 = 70,000। पॉइंट यहां तक क्लियर होना चाहिए कि सर 70,000 रुपीज उसको मिल रहे। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। PQRST वर 5 कैंडिडेट्स हु रिसीव्ड अ फंडिंग। ये 5 कैंडिडेट है जिनको और फंडिंग मिली है। द फंड्स दे रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या क्या है, 3,90,000, 2,10,000, 1,65,000, 77,000 एंड 66,000। मतलब सर पांचों को फंडिंग मिली है इतने इतनों की इंडिविजुअली, मतलब पी को इनमें से कुछ मिली है, क्यू को इनमें से कुछ मिली है, लेकिन सर ये मुझे नहीं पता, ये ऑर्डर सेम नहीं है। क्यों ऑर्डर सेम नहीं है, बिकॉज ये ऑर्डर सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ये उसी ऑर्डर में नहीं लिखा है जिस ऑर्डर में मेरे सामने नेम्स आए। ठीक है सर, यहां तक क्लैरिटी है। आगे भी कुछ गिवन है सर, एडिशनल फैक्ट्स क्या गिवन है, लाइक फातिमा अवॉर्डेड टोकन्स टू एवरीवन एक्सेप्ट क्यू, व्हाइल अधीरा अवॉर्डेड वगैरह, ये सब कुछ। सर पूरे सेट में इतनी सी बात क्लियर हो रही है कि पूरे सेट में गेम है डिस्ट्रीब्यूशन का। क्या गेम है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि सर कौन सा इंटरव्यूअर किस कैंडिडेट को टोकन दे रहा है। अगर मैं इसको क्रैक कर लेता हूं तो सर मेरे लिए गेम सॉर्टेड। क्या कहा मैंने, कौन सा इंटरव्यूअर किस कैंडिडेट को टोकन दे रहा है। विच इंटरव्यूअर इज गोइंग टू असाइन अ टोकन टू विच कैंडिडेट, दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट विच इज इन फ्रंट ऑफ अस। कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ अप्रोच है क्या, आप इसको एग्जाम में सॉल्व करोगे। यस, आई विल बी सॉल्विंग दिस पजल, बिकॉज ये देखने में थोड़ा सा मैं न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव या मैथमेटिकल लग रहा है, बट इट इज नॉट दैट लेवल ऑफ मैथ्स। सिर्फ मल्टीप्लीकेशन वाली मैथ्स है, थोड़ा बहुत प्राइम फैक्टर है। जैसे देखो, खास बात है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब प्राइम फैक्टर्स है। और सर ये जो अमाउंट बना है, ये इसी से ही तो बना है। ये 390,000 है, ये 1000 को हटा दो, इसका भी 1000 हटा दो, इसका भी 1000 हटा दो, इसका भी हटा दो, इसका भी हटा दो। क्यों बताया सर, क्योंकि एंड में 1000 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो मैं हटा ही देता हूं उनको। 390 कहां से बना होगा, टोकन्स के मल्टीप्लीकेशन से बना होगा। 210 कहां से बना होगा, टोकन्स के मल्टीप्लीकेशन से बना होगा। 66 कहां से बना है, टोकन्स के मल्टीप्लीकेशन से बना है। यस सर, इन पहले पांचों टोकन्स को थोड़ा सा डिकोड करते हैं। एक है 390, एक है 210, एक है 165, एक है 77, एक है 66। टोकन्स कौन से है मेरे पास, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये क्या 2, 3, 5, 7, 11, 13। सर दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, मतलब किसी का किसी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। अच्छे से देखो, अच्छे से देखो,
390 कैसे बना होगा? सर ये बना होगा 13 इंटू 3, 39 होता है, इंटू 5 इंटू 2 लिख सकता हूं क्या उसको, 13 3 जा 39 इंटू 10, तो इंटू 10 कैसे बनेगा, 5 इंटू 2, ये टोकन मुझे इन्हीं में से ही उठाने, तब जाके ये नंबर बनेगा। मतलब जिसको 390 का, मतलब जिसको 390,000 की फंडिंग मिली है, उसको सर ये चारों टोकन मिले होंगे, तभी जाके उसको ये फंडिंग मिली है। यस सर, हाँ सर। सिमिलरली इनको भी डिकोड करें, 210 कैसे बना होगा सर, 7 3 जा 21 और 5 इंटू 2 क्या होता है, 10 होता है। 165 कैसे बना होगा सर, ये क्या होता है, 11 इंटू 15 होता है, 165, 11 इंटू 15 होता है, तो उसको अपन ऐसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 11 इंटू 3 इंटू 5 ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो 11 3 जा 33 इंटू 5 इज गोइंग टू बी 165। 77 सबसे आसान है सर, 11 इंटू 7 क्योंकि दोनों प्राइम नंबर से यही नंबर बन रहा है। 66 क्या है सर, 11 इंटू 3 इंटू 2, क्या सर मुझे पता लग गया क्या कि ये फंडिंग कैसे पॉसिबल है, इन इनडिफिनिट जो मेरे सामने टोकन्स हैं इनके मल्टीप्लिकेशन से ही ये सारी फंडिंग पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैंने इस टास्क को यहां तक अरेंज किया। अब सर मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसी टेबल बनानी है कि जिसमें क्या लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई और एफ, साथ ही में सर पी क्यू आर एस टी, यही बात है। ऐसी कुछ टेबल बनानी है क्या सर, ऐसी कुछ टेबल बनानी है क्या? अब मैं यहां क्या लिखूंगा कि सर अगर सी ने अगर क्यू को दिए तो मैं टिक मार्क कर दूंगा, सी ने एस को भी दिए तो यहां पे मार्क कर दूंगा, मान लो कि सी ने टी को नहीं दिए तो ऐसे क्रॉस मार दूंगा। तो एक ऐसी टेबल बनेगी जहां मुझे पता क्या लगेगा कि किसको कितनी, कौन किसको टोकन दे रहा है। अब इनके पास में ब्रैकेट में मैं इनका टोकन नंबर भी लिख दूंगा, क्योंकि इन छह का कोई ना कोई टोकन नंबर है, कहां से आएगा, इनमें से। कैसे निकालेंगे सर, अभी सोच लेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी और इन्फॉर्मेशन भी बाकी है। ये क्या समझ में आ रहा है कि टेबल क्यों बनाई मैंने, टेबल ताकि मैं इंटरव्यूअर्स और कैंडिडेट्स का रिलेशन डिफाइन कर सकूं कि किसको कितनी, किसको किसने फंडिंग दी है। और इससे मुझे ये भी आइडिया लग जाएगा सर कि पी की फंडिंग टोटल कितनी आएगी, इनमें से कुछ आएगी। देखो ये पांच वैल्यूज ये नीचे यहाँ पे टोटल में आएगी क्योंकि इनमें से किसी की है, और ये जो टोकन की वैल्यूज है वो इनमें से किसी की है, सबकी एक एक है और सबकी यूनिक है। तो मेरे सामने डायग्राम कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा कि सर ए बी सी डी ई एफ टोटल यहाँ पे कौन कौन आएंगे, वो सारे बंदे, और टोकन नंबर इनका यहाँ पर। मैं थोड़ा सा उसको रिपीट कर देता हूँ कि 390 कैसे बना होगा, 390 बना होगा 2 इंटू 3, या 2 इंटू 3 क्या करा था अपन ने, 13 3 जाना, हाँ 13 इंटू 3 टू 5 इंटू 2, 210 कैसे बना था, 7 3 जा 5 2 जा 165 कैसे बना था, 11 इंटू 3 इंटू 5 से, सर 77 कहाँ से बना है सर, 11 इंटू 7 से, 66 कैसे बना है सर, 11 इंटू 3 इंटू 2 से, यही बात है सर, यही बात है क्या सर, क्या आप यही पॉइंट बताना चाहते हो? यस स्टूडेंट्स, यही पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। अब अपन आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं, बस इसको आगे प्रोसीड करने वाले कि कैसे अपन सॉल्व करेंगे इसको स्मार्टली, ठीक है। क्या इन्फॉर्मेशन है, फातिमा अवार्डेड टोकन्स टू एवरीवन एक्सेप्ट क्यू, फातिमा ने सभी को टोकन दिया है, फातिमा ने सभी को टोकन दिया है लेकिन क्यू को नहीं दिया है, फातिमा ने सभी को टोकन दिया है लेकिन क्यू को नहीं दिया है। आगे व्हाइल अधारा अवार्डेड टोकन्स टू नो वन एक्सेप्ट पी, अधारा ने किसी को नहीं दिया सिवाय पी के, तो उसने पी को दिया है ए ने लेकिन बाकी किसी को नहीं दिया है, बाकी किसी को नहीं दिया है। टोकन कौन कौन से, 2 3 5 7 11, पहले इसको लिख लेते जो गिवन है, आर रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टोकन्स दैट एनीवन रिसीव्ड, आर के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ टोकन्स है। सर मेरे पास दो ऐसी टर्म्स है जिसमें मैक्सिमम टोकन आ रहे हैं, एक 210 है और एक 390, इसमें भी चार टोकन है, इसमें भी चार टोकन है, तो उसको इन दोनों में से किसी का मिला होगा। अब आपके मन में आ रहा है कि सर हाईएस्ट है तो सर यूनिक होना चाहिए हाईएस्ट, तो ऐसा समझो कि ओलंपिक्स के गेम में दोनों ने अगर बाय चांस, चलो जेवलिन का गेम है, जेवलिन थ्रो, फर्स्ट वाले पर्सन ने शूट किया कहां तक पहुंचा 90 मीटर्स, दूसरे बंदे ने भी शूट किया कहां तक पहुंचा 90 मीटर्स,
तो बोथ आर द विनर्स, दोनों की पोजीशन क्या आएगी, रैंक क्या आएगी, फर्स्ट। गेम समझ में आया, इसको बोलते हैं गेम, ठीक है। तो हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट है मतलब आर जो है, आर के पास कितने टोकन आएंगे, 4 टोकन आने वाले हैं। कितने टोकन आने वाले हैं, 4 टोकन। कैसे सर, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम टोकन आएंगे ऐसा लिखा हुआ है। बट शी डिड नॉट रिसीव वन फ्रॉम एस्टर, तो एस्टर से नहीं मिली है, तो आर को एस्टर से रैंकिंग या फंडिंग नहीं मिली है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? यस सर, पॉइंट क्लियर है सर। बी अवॉर्डेड टोकन टू एस बट नॉट क्यू, तो बी ने एस को दिया लेकिन क्यू को नहीं, बी ने एस को दिया है लेकिन क्यू को नहीं दिया है। एंड व्हाइल डी अवॉर्डेड टोकन टू क्यू बट नॉट एस, तो डी ने क्यू को दिया लेकिन एस को नहीं दिया, डी ने क्यू को दिया है लेकिन एस को नहीं दिया है। अब सर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो अच्छे से, सर इसको 4 टोकन मिलने चाहिए, 2 कैंसिल हो गए, मतलब ये 3 टोकन इसको मिलेंगे, तो 4 टोकन इसको मिलने ही वाले, ठीक है सर। सर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, एफ का टोकन नंबर निकल सकता है क्या सर, एफ ने 4 जनों को दी है, 1 जने को नहीं दी है, मतलब ऐसा कोई नंबर है क्या जो चारों जगह आ रहा है? एफ का जो टोकन वाला नंबर है वो 4 जनों को मिल रहा है, 1 को नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कोई नंबर है क्या सर जो हर जगह आ रहा है लेकिन 1 जगह नहीं आ रहा? जैसे सर देखा जाए 3 एक नंबर है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां आ रहा है, लेकिन यहां पर नहीं आ रहा है। मतलब 3 क्या वो एक नंबर है क्या जो 4 जगह मिल रहा है मुझे, जो 4 जगह मुझे मिल रहा है लेकिन 1 जगह नहीं मिल रहा है? ऐसा कोई और दूसरा नंबर भी है क्या? नहीं सर, ऐसा कोई दूसरा नंबर नहीं है जो 4 जगह मिलेगा और 1 जगह नहीं मिलेगा। मतलब एफ का टोकन क्या हो गया, 3 हो गया क्या? यस सर। कैसे? क्योंकि वो 4 जगह मुझे मिल रहा है। अगर एफ का टोकन 3 है तो क्यू को उसका टोकन नहीं मिला, तो क्यू का क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा क्या? क्योंकि क्यू के पास 3 नहीं है, तो उसका क्या आएगा, 77 आएगा क्या? हेलो, बात क्लियर हुई क्या यहां तक? पॉइंट समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूं? सर 3 इसके पास नहीं है लेकिन ये यहां पर आकर अरेंज हो चुका है। और आगे बात करें सर, ए को पकड़ो, ए सर एक ही जने को दे रहा है बाकी किसी को नहीं दे रहा है, ए सिर्फ एक ही जने को दे रहा है बाकी किसी को नहीं दे रहा है। थोड़ा सा कोशिश करते सर, एनालाइज करते हैं, ऐसे कौन से नंबर है जो सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, ऐसा कौन सा नंबर है जो एक ही जगह आ रहा है? सर नंबर मेरे पास है एक तो 13 है सर, जो एक ही जगह देखने को मिल रहा है मुझे, एक नंबर सर 2 तो मुझे हर जगह देखने को मिल रहा है, 5 भी हर जगह देखने को मिल रहा है, 7 भी देखने को मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 11 भी मिल रहा है, मतलब 13 इज द ओनली नंबर जो एक ही जगह आ रहा है। अगर 13 एक ही जगह आ रहा है तो ए का क्या होगा, 13 होगा क्या, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही बंदे को फंडिंग दी है, ए वाले ने सिर्फ एक ही बंदे को फंडिंग दी है, तो ए का टोकन सिर्फ एक ही जगह आएगा। अब अगर 13 यहां पर आ रहा है तो जिसको 13 मिला है उसका सम 390 आएगा क्या, उसका सम 390 आएगा क्या? यस सर 390 आएगा। अगर 390 इसका हो चुका है और मुझे पता है कि आर को 4 टोकन मिलने चाहिए, तो 390 ऑलरेडी बुक्ड है, तो आर को कौन कौन मिलेगा, 210 मिलेगा क्या, 210 मिलेगा क्या दोस्तों? पॉइंट क्लियर हुआ? अब 210 में क्या है सर, 3 यहां पे आ चुका है, इन तीनों का मतलब क्या है, इन तीनों का मतलब क्या है, 7, 5 और 2, 7, 5 और 2। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर, कुछ और इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या सर अपन लोगों को? देखो थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करते हैं इसको इस पॉइंट के बाद कि सर इसके बाद अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 13 यहाँ पर फिक्स्ड हो चुका है, 3 यहाँ पे फिक्स्ड हो चुका है, अब सर बच्चे कौन कौन है सर, सर 3 हो चुका है, 13 हो चुका है, 2, 5, 7, 11, 2, 5, 7 और 11। ई के पास कौन से दो नंबर, आर के पास कौन से दो नंबर मिसिंग है? देखो आर को पकड़ो, 210 जो है, 210 का मतलब क्या होता है, 7, 3, 5, 2, क्या क्या होता है, 7, 3, 5, 2, तो आर के पास कौन कौन से नंबर नहीं है, 11 नहीं है और 13 नहीं है, आर के पास ना 11 है ना 13 है, तो आर के पास 13 नहीं है और दूसरा नंबर नहीं है वो कौन सा होगा, 11 होगा, तो ई का क्या हो गया, 11 हो गया क्या? देखो अच्छे से, आर के पास क्या नहीं है, एक तो 11 नहीं है, 13 नहीं है, तो 13 तो नहीं है, ठीक है, 11 नहीं है, तो ई क्या हो गया, 11 हो गया सर। अब सर 11 ये है,
तो 77 को 11 मिलेगा क्या, क्योंकि 77 मतलब क्या होता है 11 इंटू 7, तो 77 का मतलब क्या हो गया सर, 11 पक्का पक्का मिलेगा। अगर ये 11 है तो पक्का पक्का ये 7 होगा, क्योंकि 7 इंटू 11 इज, इसका क्या हो गया 7 हो गया, इसका क्या हो गया 7 हो गया। अब सर ये दोनों कौन हो गए 2 और 5, तो अभी पता नहीं है, लेकिन सर मुझे पता है कि 390 के अंदर क्या क्या लगता है, 13352, तो 13 लगता है, 3 लगता है, और 5 और 2 यहाँ पे आएंगे तो भी आएंगे तो सही ना, वहां पे 7 और 11 नहीं आएगा। और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सर अच्छे से, और कोई दूसरा पॉइंट दिख रहा है आपको? यस, 77 में बस 2 आ चुके हैं तो और कुछ नहीं आएगा। यस सर, यहाँ पे कुछ पता लग रहा है क्या? यहाँ कुछ पता नहीं लग रहा है सर, लेकिन सर इतना पता है कि एक तो है 165 जिसमें 1135 है, और एक है 66 जिसमें 1132 है। दोनों में कॉमन क्या है, 11 भी है और 3 भी है, तो दोनों में 3 तो कॉमन है ही, 11 भी कॉमन है, तो दोनों में 11 तो आएगा ही आएगा। अब बचा क्या सर, एक जगह 5 है एक जगह 2 है, एक जगह 5 है और दूसरी जगह 2 है। अब सर मुझे पता नहीं है सर कि 2 और 5 कहाँ आएंगे, क्योंकि मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो 2 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, 2 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो अगर 2 यहाँ आता है तो 5 यहाँ आएगा, और 5 यहाँ आता है तो 2 ही आएगा। अब सर गेम ऐसा है, अगर एस के पास कितने टोकन आएंगे, देखो 165 में भी 3 टोकन चाहिए 1135, और इसमें भी कितने चाहिए 1132, तो 1133 तो उनका डन है। ये अगर 2 होता है, अगर इसको 2 मिल जाता है तो ये वाला नहीं मिलेगा, समझना, और अगर यहाँ पे 5 आता है तो 2 उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको अगर ये वाला मिल गया है तो उसको ये वाला तो पक्का पक्का इधर नहीं मिलेगा, और उसको ये वाला पक्का पक्का मिलेगा। क्यों मिलेगा, अच्छे से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी जो मैंने किया उसको अच्छे से देखना। मैंने क्या किया अभी, इसको एस को चाहे 165 हो या 66 हो, 2 या 5 में से कोई मिलेगा। अगर इसको 2 मिल जाता है, अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, अगर 2 लिखा हुआ है तो अगर इसको मिल गया है तो इसको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर, क्योंकि 2 सिर्फ दोनों में से एक ही जगह आएगा। अगर यहाँ पे 2 होता है तो इसका हो जाएगा 66, इसका हो जाएगा 165। सिमिलरली फॉर 5, क्यों सर, अगर यहाँ पे 5 होता है तो 5 दोनों में से एक को ही मिलेगा। लेकिन सर जैसे अगर जो चीज यहाँ पे हुई है वो नीचे हुई है उसकी ऑपोजिट, तो अगर बाई चांस अगर अब यहाँ पे 2 होता है तो नीचे 5 होगा, और 5 इसको नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, लेकिन इसको मिलेगा, क्योंकि दोनों में से 2 और 5 एक दूसरे को मिलेंगे, दोनों को साथ में नहीं मिल सकते, कंसेप्ट ये। और सर 7 तो सर इसको भी नहीं मिल रहा है, ये भी मुझे पता है। तो दिस इज द फाइनल डायग्राम। अब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है सर, क्या क्या आ सकता है, अगर यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 2 आता है तो यहाँ पे 66 आ सकता है, यहाँ पे 66 आएगा तो यहाँ पे 165 आएगा, और अगर यहाँ पे 165 आता है तो यहाँ पे 66 आएगा। पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ तक, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब रहे क्वेश्चन, हाउ मेनी टोकन्स डिड क्यू रिसीव, इसका आंसर तो अपन स्टार्टिंग में ही दे सकते थे। क्यू के पास 2 टोकन्स आते हैं, क्या आते हैं 2 टोकन्स। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डेफिनेटली रिसीव्ड अ टोकन फ्रॉम बी बट नॉट डी, बी से मिला लेकिन डी से नहीं मिला है, तो बी से मिलना चाहिए, बी से मिला है लेकिन डी से नहीं मिला है, इसको नहीं मिला है, एक तो पी हो गया जिसको बी से मिला लेकिन डी से नहीं मिला है, बाकी सर कोई भी नहीं है, नहीं बाकी कौन है, जिसको बी से मिला लेकिन डी से नहीं मिला है, एस भी है जिसको बी से मिला है डी से नहीं मिला है, तो पी और एस, तो पी और एस के हिसाब से ऑप्शन में पी गिवन है, तो पी इज द आंसर। हाउ मेनी टोकन्स डिड छाया अवार्ड, छाया ने कितने दिए हैं, छाया ने सर 5 या 2 दोनों में से कुछ दिए हैं, तो आंसर इज गोइंग टू बी, छाया का तो पता ही नहीं लग रहा है ना, इसने कितने टोकन, नहीं नहीं टोकन्स तो मुझे पता है, टोकन्स तो इसने 3 दिए, 1 2 3, मुझे टोकन की फेस वैल्यू नहीं पता, टोकन्स तो मुझे पता है कि 1 2 3 टोकन्स दिए, तो टोकन्स तो इसने 3 दिए लेकिन फेस वैल्यू नहीं पता। हाउ मेनी टोकन्स डिड समीरा रिसीव्ड, तो एस ने कितने रिसीव किया, एस के पास 1 2 3, तो 3 टोकन आने वाले हैं सर, थ्री अगेन द आंसर। देख लो साइकोलॉजिकल गेम, 3 के बाद 3 आंसर, कन्फ्यूजिंग लगता है अपन को। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द अमाउंट ऑफ फंडिंग दैट तंत्र रिसीव्ड, 3 के पास क्या अमाउंट हो सकता है, 165 या 66, तो 166 भी हो सकता है, 165 भी हो सकता है, तो बोथ ए एंड बी, तो ये पूछा कुड, कुड का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, तो दोनों में से कुछ भी पॉसिबल है। पॉइंट क्लियर है क्या बच्चों,
So this was distribution wala set for today's class. ठीक है, आगे और लेक्चर में मिलेंगे दूसरे नए नए सेट्स के साथ जहां आपको और अलग लेवल की क्लैरिटी मिले. ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. एज अ रिकॉर्डेड लेक्चर ही था आप लोगों के लिए. तो कॉमेंट डाउन करो अपना स्कोर, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि आपका कॉमेंट कोई नहीं देखेगा तो आप गलत सोचते हो, क्योंकि अभी आपने मुझे समझा ही क्या है. मैं डेफिनेटली आपके कॉमेंट सेक्शन देखने वाला. ठीक है, तो चलो कॉमेंट सेक्शन देखने वाला आपके कॉमेंट्स, मैं कॉमेंट्स देखने वाला हूँ मेरे कॉमेंट सेक्शन. ठीक है, मिलते हैं, चलो बाय बाय. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.